सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो की पोस्टर पे ही देख लिया होगा, हमारे थंबनेल को ही देख के पता कर लिया होगा कि हमने आप सभी को सावधान किया है कि सेकंड ईयर के रजिस्ट्रेशन अभी ना करें। इसके पीछे क्या वजह है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि NIOS से हम लोग जुड़े हुए हैं अगस्त 2017 से, यानी अगस्त 2017 में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। उस वक्त से लेकर के आज तक हम लोगों ने NIOS की कमियां, उसकी लापरवाही को देखा है और उसके वजह से क्या क्या हम लोगों को भुगतना पड़ गया सभी हम जानते हैं। तो चलिए हम पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि क्यों हम आप लोगों को मना कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले जब हम लोगों ने अगस्त 2017 में DLED कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो हम लोगों को शुरू में जो है फीस लगे थे 6,000 रुपये। कुछ लोगों को बाद में 4,500 रुपये लगे थे, लिए जो 1500 का नुकसान हुआ वो आज तक बहुत मुझे नहीं लगता है किसी को वो रिफंड हुआ होगा 1500 रुपये। बाद में जो है कि हम लोगों को 1500 का डिस्काउंट मिला था, तो कुछ शिक्षक इसका फ़ायदा उठा पाए थे और कुछ लोगों ने 6,000 रुपये फीस पेमेंट किए थे और उन लोगों ने आज तक मेल करते रह गए, मैसेज भी किया, बहुत सारे कॉल भी किए, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो ये पहली गड़बड़ी थी NIOS की। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड नहीं बल्कि ID कार्ड। जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो हम सभी शिक्षकों की एक ID कार्ड जनरेट हुई थी और वो हम सभी को अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद वो हम लोगों को मिल जाता था और अभी भी मिल जाता है। उसमें भी कुछ गड़बड़ी हुई थी दोस्तों। जब सबसे पहले एडमिट कार्ड आई तो वहाँ पे जो है उसमें एलिमेंट्री की स्पेलिंग गलत हो गई, बाद में उसे सुधारा गया और फिर उसको सही करके फिर से दोबारा अपलोड किया। फिर आते हैं तीसरी गलती, सबसे बड़ी गलती जिसका खामियाजा आज तक हम सभी को भुगतना पड़ रहा है, वो स्टडी सेंटर। दोस्तों बिना सोचे समझे लोगों को इतने दूर स्टडी सेंटर दिए गए कि वहाँ पर जाकर के क्लास करना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो आज तक सही से सुधर नहीं पाया है। सबसे पहले दोस्तों ऐसे ही इधर से उधर उठा करके लोगों को स्टडी सेंटर दे दिया गया था, किसी से कुछ ना पूछा गया, जबकि उनके पास सब कुछ डिटेल्स था। उनको अपने नज़दीकी होम टाउन में और अपने नज़दीकी ब्लॉक में स्टडी सेंटर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जब हम लोगों ने कंप्लेन की तो फिर उनके होम एड्रेस के पिन कोड के अनुसार सबको स्टडी सेंटर दिया गया। उसमें भी जो है बहुत सारे लोगों का कुछ दूर ही रह गया, कुछ का पास हुआ और कुछ का नहीं हुआ, तो वो सुधार किया गया फिर से दोबारे। उसके बाद तीसरे गलती कब हुई दोस्तों, जब हम लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए फॉर्म भरना शुरू किया तो वहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन शुरू में नहीं थे और बाद में फिर वो ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि लैंग्वेज का ऑप्शन कि एग्जाम में आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन नहीं था, बाद में इसे ऐड कर दिया गया, कुछ कंप्लेन दिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने शुरू से अभी तक देखा है कि NIOS जब भी कोई हम लोगों को लिंक देता है तो वो बिना पूरी तरह से सोच समझ करके नहीं देता है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ खामियाँ रहती हैं। तो वो गड़बड़ी और खामी तब सुधरता है जब लोग इसका सजा भुगत चुके होते हैं, जब 4 दिन 5 दिन हो जाता है, 1 सप्ताह हो जाता है, तब उसको मेल जाते हैं, लोग उसको कंप्लेन करते हैं, तब वो इस पर सोच विचार करके फिर से उसे पुनः लिंक को ठीक करके दोबारा से मौका देता है सभी को। तो अभी जो है 7 जून से स्टार्ट हो गई है आपके सेकंड ईयर की फीस, जो 6,000 रुपये मात्र है। मैं यहाँ पर मात्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत कम फीस है, हालांकि ये फीस कम नहीं है। जब हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पैसा दे दिया है तो फिर से सेकंड सेमेस्टर के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, हालांकि ये हम लोगों को पहले ही पता था। जब हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें भी कहा गया था कि हम लोगों को सेकंड ईयर में भी 6,000 रुपये फीस लेंगे, तो इस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि हम लोगों ने पहले ही एक्सेप्ट किया है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब तक आप 7 दिन 8 दिन ना गुजर जाए तब तक आपको अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और हो सकता है कि बाद में इसमें कुछ सुधार हो, कुछ कॉलम ऐड हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि पहले से भी आपने देखते हुए आया है कि कितने बार कितनी गलतियां की हैं और बाद में उसे सुधारा गया है। बहुत सारे लोगों के जो हैं वो पैसे कट जाते हैं और दोबारा नहीं बल्कि 3 बार, कितने लोग ऐसे भी हैं जिनका 3-3 बार पैसा कट गया, अभी तक वो मेल करते रह गए, उनको कोई रिप्लाई नहीं आया, उनका ही पैसा भी अभी तक रिफंड नहीं आया है। अभी क्या होगा दोस्तों कि अभी अगर आप अपना पेमेंट करते हैं सेकंड ईयर का, तो अभी जो है वो सर्वर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ उस पर क्लिक करते हैं और जब बहुत सारा एक सारा इस पर क्लिक होता है तो वो सर्वर जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। ऐसे में क्या होगा कि आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करेंगे अपने डेबिट कार्ड से, तो वो क्या होगा, सर्वर बिजी होने की वजह से आपके अकाउंट से तो डेबिट हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है NIOS को पेमेंट ना हो जाए और वो आपका पैसा कहीं फंस जाए। फिर आप पैसे के लिए आप मेल करते रहेंगे, NIOS को कॉल करते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रिप्लाई करने वाला नहीं है, क्योंकि NIOS के रवैये से हम सभी वाकिफ हो चुके हैं इतने दिनों में अच्छे तरीके से।
तो आपको करना क्या है कि आपको कम से कम एक हफ्ते का वेट करना है। एक हफ्ते के वेट करने के बाद जो भी कमी होगी, जो भी कुछ मिसिंग होगा, इसमें वो सुधार कर लिया जाएगा और आपको फिर अपना पेमेंट करके सेकंड ईयर में रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको इनरोलमेंट नंबर डाल करके आपको अपना पेमेंट कर लेना है और कुछ खास इसमें नहीं है। और उसके बाद भी मैं आप लोगों को इसका पूरा प्रक्रिया बताऊंगा कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है और पेमेंट कैसे करें कि आपका पेमेंट जो है वो एक बार में क्लियर हो जाए और आपका पैसा कहीं फंसे नहीं। तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर कर दें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, उसमें पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं और वो तरीका पूरे आपके मोबाइल फ़ोन से ही हो जाएगा, कहीं भी कैफे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।